रानीगंज ब्लॉक के रोटीबाटी ग्राम पंचायत अंतर्गत क्वारडी 3 नंबर इलाके में फुटबॉल मैदान में अचानक भूधसान हुआ। बताया जा रहा है कि फुटबॉल मैदान के बीचों बीच अचानक जमीन धस गई और कुएं के आकार का गहरा गड्ढा बन गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रानीगंज ब्लॉक के रोटीबाटी ग्राम पंचायत अंतर्गत क्वारडी 3 नंबर इलाके के फुटबॉल मैदान में अचानक भूधसान हुआ। बताया जा रहा है कि फुटबॉल मैदान के बीचों बीच अचानक जमीन धस गई और कुएं के आकार का गहरा गड्ढा बन गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूधसान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जमीन धसने के कारण बने गड्ढे के भीतर से पानी के बहाव की तेज हलचल हो रही है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही ईसीएल के अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी तथा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। फिलहाल ईसीएल प्रबंधन के तरफ से भूधसान स्थल की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है, जिससे कि कोई व्यक्ति अथवा पशु वहां जाकर दुर्घटना का शिकार न हो। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्वारडी 3 नंबर इलाके के जिस फुटबॉल मैदान में भूधसान की घटना घटी है, वहां गत 5 सितंबर को ही एक दिवसीय फुटबॉल मैच खेला गया था। इसके अलावा स्थानीय युवा हर रोज उसी मैदान में फुटबॉल खेलने जाते हैं। स्थानीय निवासी झरना बावरी ने कहा कि फुटबॉल मैदान में हमेशा बच्चे खेलते हैं। राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये घटना घटी, फुटबॉल मैदान में कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि जब भूधसान हुआ तब अचानक तेज विकट आवाज आई। स्थानीय लोगों ने फुटबॉल मैदान में जाकर देखा कि जमीन धस गई है और लगभग 40 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया है और उसके भीतर से पानी के बहाव की तेज हलचल सुनाई पड़ रही है। भूधसान की घटना के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने जानमाल की सुरक्षा की चिंता सता रही है और उन्होंने ईसीएल प्रबंधन व प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। 3 नंबर क्वारडी पलियारी सकाल हठात देखे एक शब्द होते ऊपर दिखे तक तकान पर देखा जा नीचे एक धस नेमे गए। धस नामते नामते गर्त हो पड़ल যে আমাদের এখানকার মানুষজন গিয়ে দেখে যে অনেক শব্দ হচ্ছে আর জল মানে অনেক গর্ত হয়ে গেছে আর জল প্রচন্ড একটা শব্দ হচ্ছে আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে মানুষজন ভয়ে আমরা তো সব এখন থেকেই বলছি জিনিসপত্র বাগাবো নাকি কি হবে কি বোঝা মুশকিল। এখন আমাদের এই বাচ্চারা চলে যাচ্ছে গরু ছাগল চলে যাচ্ছে তার জন্য আমরা পুলিশ তো দেখেছি আমাদের এখানে নেতারা এসেছিল দেখে গেছি। এবার আমাদের একটু ব্যবস্থা না করলে এই তো 5 তারিখে ফুটবল খেলা গেল এই 5 তারিখে এখানে একটা ওয়ানডে খেলা সেদিন যদি হঠাৎ করে এটা হতো তাহলে কি বড় বিপদ হতো বলো। এটা আবার কালকেও বাচ্চারা খেলেছে এটা ফুটবল মা এটা আমাদের ঠিক প্রত্যেক দিন খেলা হয় ওয়ানডে খেলা হয় ছেলেরা এখানে ম্যাচেও ডাকে এটা যদি বাইরে ছেলেদেরও ক্ষতি হতো এই কারণে কোন একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হয় জোরাত করে বলছি। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद ईसीएल के रोटीबाटी कोलियरी के मैनेजर सोमनाथ मुखर्जी ने कहा कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले इस इलाके में कई प्राइवेट माइंस का संचालन किया गया था। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ईसीएल के कोयला खनन की वजह से भूधसान हुआ है। उन्होंने कहा कि और भी कुछ जगहों पर ऐसी समस्याएं हो रही हैं और ईसीएल अपने स्तर से जरूरी कदम उठा रहा है। कोलियरी के मैनेजर सोमनाथ मुखर्जी ने कहा कि फिलहाल भूधसान स्थल की घेराबंदी कर दी गई है और जल्द इसकी भराई की जाएगी। फुटबॉल मैदान में भूधसान का दायरा कितना बड़ा है और गहराई कितनी है ये जानने के लिए वर्किंग प्लान देखना होगा। नीचे अंदाज आगे अनेक माइंस चलते प्राइवेट माइंस তারা এখানে চালিয়েছে শ্যালো ডেপথে উইদাউট কোনো গাইডলাইন্স ডিজিএমএসের কিছু গাইডলাইন্স তারা চালিয়েছে। সেইগুলোর জন্য কী কী হচ্ছে আমাদের অনেক জায়গাতে এরকম প্রবলেম হচ্ছে তো সেগুলো যখন যখন প্রবলেম হচ্ছে আমরা সেগুলোকে তখন সেভাবে স্টেপ নিচ্ছি সেগুলো তো এটাকে আমরা এখন টেম্পোরারি ফেন্সিং করব আর তারপরে এটাকে পুরো ফিলিং করব মেশিন দিয়ে। স্যার কী দেখলেন কী ধরনের ভিতরে হচ্ছে আওয়াজ? ভেতরে কোনো ওয়ার্কিং আছে হয়তো আগেকার চালানো ন্যাশনালাইজেশন আগেকার চালানো কোনো ওয়ার্কিং আছে সেই ওয়ার্কিং হয়তো শ্যালো ডেপথে কভারে চালানো হয়েছে সেইগুলো এখন জলের ইয়েতে হচ্ছে সেগুলো মাটিগুলো ধসছে আস্তে আস্তে টানছে তার জন্য উপর থেকে সাবসাইড করছে। এটা কি বলছেন যে ইসিএল কয়লা কেটে গেছে? ইসিএল নয় ইসিএল এর আগে যখন ন্যাশনালাইজেশনের আগে যখন প্রাইভেট মাইন্স চলতো তখনকার ঘটনা এগুলো। কত গর্ত আছে এখন দেখতে পাচ্ছেন? এখানে প্ল্যান দেখে বলতে হবে আমাকে, এখানে সিমের ডেপথ দেখে বলতে হবে, আন্দাজে বলার ঠিক না। এখন যে ধস হয়েছে ওটা কত গর্ত, কী সাইজ কী আছে? ওখানে সামনে আমি কাউকে যেতেই দিচ্ছি না, এখন ধসটা হয়েছে আমি এখন সামনে কাউকে যেতে দিচ্ছি না, যাওয়া হবে আমরা ওয়ার্কিং প্ল্যান দেখেই আপনাকে অ্যাকুরেট বলতে পারবো যেখানে কত ডেপথ অফ কভার আছে। সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।
छोटे तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।